तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ कि हम बिस्तरी करने के नियमों को आदमी अगर सही माना में समझ ले तो फिर वो सही माना में अपनी बीवी को खुश करेगा। लेकिन आज लोग ये सोचते हैं कि हम बिस्तरी करने का कोई कायदा कानून नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, बस जिस तरह से हो अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा कर लिया जाए, बस यही बात लोगों के जहनों में बैठी हुई है। हम बिस्तरी के कानून को लोग नहीं जानते हैं और ये वो मामला है कि जिसको मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के इमाम भी बयान नहीं कर सकता और ना ही लोग जलसों में इस बात को बताते हैं। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए से यही रहनुमाई आपकी कर रहा हूं कि इसके भी बहुत सारे कायदे कानून हैं। जब इन कानूनों पर, इन कायदों पर अमल करते हुए और हम बिस्तरी के नियमों का पालन करते हुए हम बिस्तरी की जाए तो इससे बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और आप भी खुश होंगे, आपको भी लज्जत आएगी और बीवी को भी लज्जत आएगी। जब आपको हम बिस्तरी करना ही है तो इसके कायदे कानून को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आज के दौर में क्या होता है कि लोग अपनी बीवी के जज्बात को और उसकी शहवत को उभारे बिना ही हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं, खुद जल्दी फारिग हो जाते हैं, बीवी फारिग नहीं हो पाती है। अब इसी में मामला बिगड़ जाता है, बीवी अपने शोहर से खफा रहने लगती है। जो मर्द अपनी बीवी को बिस्तर के मामले में खुश ना करे तो बीवी अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है, वो मर्द अपनी बीवी के सामने निगाहें उठाने के काबिल नहीं रहता है। नाज़रीन इकराम, तो आप समझिए कि किस तरह से अपनी बीवी को आप खुश करें। अगर आपका टाइमिंग कम है फिर भी आप सही माना में उसको खुश कर देंगे और वो आपकी दीवानी हो जाएगी। फ़ेले मुबाशरत में, यानी कि हम बिस्तरी में शोहर के लिए ज़रूरी है कि अपनी बीवी के जज्बातों शहबत को उभारे। इस उभारने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं जो हर औरत के साथ अलग अलग हैं। शोहर अपनी बीवी के उभारने के तरीक़े को ख़ुद ही समझ सकता है। अक्लमंदों ने कहा है कि हम बिस्तरी करने से पहले औरत को उभारना चाहिए, जैसा कि पिस्तानों के सिरे की गुंठियों को, यानी कि जो अगला हिस्सा होता है जो बच्चे के मुंह में जाता है, उसको भी थोड़ा सा मसलना चाहिए और अपने नफ्स के सिरे से औरत के शर्मगाह के जो अगला हिस्सा होता है उसको अच्छे से मसले। इन हरकतों से औरत को बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और जब औरत को इंजाल होने लगता है तो उसकी हालत बदल जाती है, वो सांस ज़ोर ज़ोर से लेती है और जब औरत को इंजाल हो जाएगा तो वो ज़रूर अपने शोहर से दिलो जान से मोहब्बत करेगी। इन उसूलों के साथ जब शोहर मुबाशरत करेगा तो औरत शोहर से हमेशा खुश रहेगी और ज़िंदगी का जो मकसद है वो भी सामने आ जाएगा। इन तमाम उसूलों को जो मैंने आपको बताए हैं ये औरत को आपका दीवाना बना देंगे। नाज़रीन इकराम, हकीमों ने लिखा है कि औरत को उभारने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। बहुत सारे बदन के ऐसे हिस्से हैं कि जिसके ज़रिए से औरत को उभारा जाता है। बाज़ औरतें बालों पर हाथ फेरने से जल्दी शहबत के लिए तैयार हो जाती हैं और बाज़ को कुछ लतीफ़े सुनाने से ये शहबत उभरती है, और कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिनकी गर्दन को चूमने से या गुदगुदी करने से। और हकीमों ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ किया है, ज़ोर दिया है कि औरत जो है पिस्तानों के ज़रिए से बहुत जल्दी उभरती है, फ़ेले मुबाशरत पर जल्दी आमादा होती है। बहरहाल शोहर ऐसा तरीक़ा इख्तियार करे कि जिससे औरत को जल्दी शहबत उभरे। जब औरत की शहबत उभर जाएगी अब आप उसके बाद में हम बिस्तरी करेंगे तो और औरत जल्दी फारिग हो जाएगी, आप देर से फारिग होंगे, तब औरत को सही माना में मज़ा आएगा। और आप इसी तरह से शुरू हो गए, आपने उसके जज्बातों को नहीं उभारा, उसकी शहबत को नहीं उभारा, तो हम बिस्तरी तो हो जाएगी लेकिन जो लज्जत आनी चाहिए वो लज्जत नहीं आएगी, और जब लज्जत कम आएगी तो बीवी आपसे खफा रहेगी
तो आप इन नियमों को, इन कानूनों को बिल्कुल ज़रूर अपनाएं, और हम बिस्तरी करने से पहले इन बातों का ख़ास ध्यान रखें कि अपनी बीवी की शहवत को पहले अच्छे से उभारें। आप जितना अपनी बीवी को गर्म करेंगे, जितना ज़्यादा उसके जज्बात को उभारेंगे, जितना ज़्यादा उसकी शहवत को आप उभारेंगे, वो आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगी। नाज़रीन इकराम, ये थी छोटी सी मालूमात, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इससे सबक हासिल करेंगे। चलते चलते एक बात और सुनते जाइए, हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए। अपने हाथों से किसी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करने की वजह से नसें कमज़ोर हैं, मनि पतली है, ढीलापन है, धाती अहतलाम की बीमारी है, या औरतों को सफ़ेद पानी की शिकायत है, अपना वज़न बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, या आपके स्पर्म कम है, या बवासीर का मर्ज़ है, तो हम उससे संपर्क कर सकते हैं। दवाई देसी जड़ी बूटी से तैयार की जाती है, जहाँ भी आप चाहेंगे इंडिया में आपको पहुँचा दी जाएगी। नंबर आप मेरा सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, बताना मेरा काम, इन पर अमल करना और खुश करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी।